स्वागत है आपका केबीपीएन न्यूज में। आपके साथ में हूं वैशाली। अब बात योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे की, जहां बायकॉट बॉलीवुड के बीच प्यार से अन्ना कहे जाने वाले सुनील शेट्टी योगी आदित्यनाथ से बड़ी अपील की है। सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बॉलीवुड बायकॉट ट्रेड को लेकर खास बातचीत की। सुनील शेट्टी ने बायकॉट बॉलीवुड ट्रेड पर कहा, मैं उस हैशटैग के बारे में बात करना चाहता हूं जो चल रहा है, बायकॉट बॉलीवुड। अगर आप इसके बारे में कुछ कहते हैं तो ये रुक सकता है, इसलिए कृपया नेतृत्व करें और इस दाग को मिटाने के बारे में हमारे प्रधानमंत्री से बात करें। सुनील शेट्टी ने कहा, हिंदी फिल्म उद्योग के खिलाफ नफरत को मिटाने में मदद करें और सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के बहिष्कार के चलन से मुक्ति दिलाएं। उन्होंने कहा, आज लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड अच्छी जगह नहीं है, लेकिन हमने यही इतनी अच्छी फिल्में बनाई हैं। मैं भी फिल्म बॉर्डर का हिस्सा था, आज मैं जो कुछ भी हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों की वजह से हूँ। जब उनकी वजह से सिनेमा घर भरते हैं, हम समझ जाते हैं कि हमारी फिल्में हर जगह अच्छी चलेंगी। अगर आप नेतृत्व करते हैं तो लोगों की सोच में बदलाव लाया जा सकता है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ माया नगरी मुंबई के 2 दिन के दौरे पर आए थे, जहां बताया जा रहा था उत्तर प्रदेश में भविष्य में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर योगी आदित्यनाथ मुंबई में थे। योगी आदित्यनाथ ने मुंबई दौरे के दौरान देश के बड़े उद्योगपतियों और बॉलीवुड के कलाकारों से मुलाकात की। ये मुलाकात मुंबई के मशहूर होटल ताज में हुई। साथ ही अपनी बात को आगे रखते हुए सुनील शेट्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह गुहार लगाई की। इस दौरान सुनील शेट्टी ने कहा, इंडस्ट्री के 99% लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स नहीं लेते हैं, हम सब दिन भर ड्रग्स थोड़े ना लेते रहते हैं, दुख होता है ये बोलने में कि हमारे ऊपर ये कलंक है। उन्होंने कहा, ना ही हम सब बुरे काम करते हैं जिनके दम पर भारत को बाहरी देशों के साथ हमारी कहानियों और संगीत ने जोड़ा है। आपको बता दें, ऐसे में हम लोगों की छवि को मौजूदा समय में बेहद गलत बना दिया गया है। लोगों की उम्मीद पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है, तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्म में मैं रहा हूं। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होगा ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी म्यूजिक, हमारी कहानी।